गुस्सा बहुत बुरी चीज है डीआईजी। तातार? हाँ तातार, सोचा पुराना वादा है पूरा कर दूं। वैसे तू बहुत ही नालायक ऑफिसर है, एक ऐसे मुजरिम को जिसे ताजरात हिंद का हर कानून ढूंढ रहा है, उसे पकड़ने के बाद भी अदालत में पेश नहीं कर सका। अब तो लोग यही कहेंगे कि डीआईजी सूर्य प्रताप तातार के हाथों बिक गया। लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को तातार की लाश डीआईजी के घर में ही मिलेगी। अब ना तू अरेस्ट होगा और ना कोर्ट जाएगा, सिर्फ एक गोली चलेगी और अपराध की सबसे मोटी फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमने सुना है तेरी सरकार हर गोली का हिसाब मांगती है, और हम नहीं चाहते कि तू 6 गोलियों का भी हिसाब सरकार को दे ना सके। मैं इन 6 गोलियों का हिसाब दूंगा, मगर सरकार को नहीं, इतिहास को। ये गोलियां तेरे जिस्म से निकालकर नेशनल म्यूजियम में रखी जाएंगी, जहां लिखा होगा इन्हीं गोलियों से देश का दुश्मन मारा गया था। अपने वतन से और तुझ से मेरा वादा है। और हमारी भी ये जिद है कि तू हमारे आदमियों को 26 जनवरी से पहले छोड़ेगा। तातार तुझे ये आखिरी मौका देता है।